दारा स्टूडियो जो दारा सिंह जी ने बनाया था और ग्रेट रेसलर एंड एक्टर, ये उनका स्टूडियो है। हम अमृतसर से चंडीगढ़ की दूरी तय करते करते यहां पहुंचे। ये उसके आसपास का माहौल है, सड़क है जहां आपको लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, और ये है गेट जहां से हम लोग एंटर करेंगे। Hi, good evening guys. Right now, I am at Dara Studio, Chandigarh. मैंने यहाँ बहुत साल पहले बहुत सी फिल्मों की शूटिंग की है, पंजाबी फिल्म्स की। Let me shoot a little portion of Dara Studio. This is a beautiful garden, you can see. Look at that. यहाँ बहुत सारी पंजाबी फिल्मों की शूटिंग होती है, हिंदी फिल्मों की शूटिंग होती है, बहुत सारे गाने भी शूट किए जाते हैं। यहाँ पर गांव के दृश्य शूट किए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जो जगह है, ये टिपिकल विलेज का इफेक्ट देती है। यू कैन सी योरसेल्फ। वेल, ये पोर्शन दारा स्टूडियो वालों ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के जी को दिया हुआ है। ये स्टेज का छोटा सा सेट है। वैसे तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का फंक्शन भी हो चुका है, बैकड्रॉप डाल के अच्छा सा। ये यहाँ पे एक छोटा सा सेट लगता है जहाँ पे सिंगर गाते हैं और इस तरफ ऑडियंस बैठकर उनको सुनती है। ये है बेहद खूबसूरत गार्डन, देखिए कितना सुंदर है। थोड़ा पैन कीजिए प्लीज। और यहां लिखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिला कचहरियां। मैं आपको इसके अंदर भी लिए चलूंगी। ये है कोर्ट का इंटीरियर, आप देख सकते हैं। दिस इज हाउ कोर्ट लुक्स लाइक। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जेल का सेट है। मम्मा, जेल लुक्स लाइक दिस? पता नहीं विधि, लेकिन ऐसे ही लगती होगी, बिकॉज अगर इन लोगों ने देख के जेल बनाई है तो डेफिनेटली ऐसे ही लगती होगी। मैंने आपको जेल का इंटीरियर दिखाया, ये है उस जेल का एक्सटीरियर, यू कैन सी दैट। और ये है पुलिस थाना, यानी फिल्मी पुलिस थाना, जहां पर कंप्लेंट की जाती है, यू कैन सी दैट।
मम्मा व्हाट इज दिस? ये सेट है, शूटिंग फ्लोर है. यू कैन सी दैट सेट लगा हुआ है. कैन यू सी दैट? या सी, अभी मैं तुमको एक चीज दिखाती हुई थी. ये ऊपर जो है इस पे लाइटिंग होती है. लोग बहुत रिस्क लेते हैं जान माल का. तरापे पे चढ़ के यहां पर लाइटिंग की जाती है. रिस्की है लेकिन उसी लाइट से सेट इतना खूबसूरत लगता है. जब ये लाइटिंग होती है उसके बाद ये सेट की रूपरेखा बिल्कुल चेंज हो जाती है. ये शूटिंग फ्लोर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर रिपेयर वर्क चालू है. पूरा फ्लोर रिपेयर किया जा रहा है. ये जो ग्रीन आप चीज देख सकते हैं ये क्रोमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्रोमा मोस्टली इसी फ्लोर पर किया जाता है. अच्छी खासी रिपेयर हो रही है. और ये है दारा सिंह साहब के साले रतन औरख, साथ में है मेरी बेटी. ये था रादर है दारा स्टूडियो. कितनी ग्रीनरी है, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत. और ये सामने के गेट से हम बाहर जाएंगे. चलिए तैयारी करते हैं बाहर चलने की. अब हम रोड पे आ गए हैं. मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं एक खूबसूरत गुरुद्वारा है, बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा. बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है. जैसे ही इस वॉल का एंड होगा वहां से हम लेफ्ट लेंगे और अपने घर की सड़क पर चले आएंगे. चलिए घर पर मुलाकात होती है. बाय फॉर नाउ.